Hey guys, welcome back to another new series. So, स्वागत है आपका हमारे कश्मीर सीरीज में। ये हमारा पार्ट 4 है। सो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा हम स्टे कर रहे थे बोट हाउस में। सो आज हम मॉर्निंग में निकल चुके हैं गुलमर्ग के लिए। प्राइवेट टैक्सी बुक कर लिया है और ये देखिए अभी मेरा बेबी कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। हम बोट हाउस में रुके हुए हैं तो हमें शिकारा करके ही जाना पड़ता है इस पार से डल लेक के पार पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 16 पे एंड वहाँ पे हमारी कार वेट कर रही है। तो चलिए आपको सुंदर नज़ारे दिखाते हुए हम पहुँचते हैं अपनी कार तक। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप में से किन किन लोगों ने कश्मीर सिटी विज़िट किया है लास्ट दिसंबर में और आप लोगों को कैसा लगा। ये है डल लेक का मॉर्निंग व्यू और इसका क्या कहने गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। आप लोग देख ही रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे, बहुत ही ऑसम फील हो रही है। बट यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी गाइस, रात भर हम लोग सो नहीं पाए। बेबी को तो एकदम बहुत ही ज़्यादा ढक ढुक के सुलाए थे तो आदि तो सो ही गया था। और ये है हमारा बोट संग्रीला, हम लोग इसी बोट पे रुके हुए थे। और ये जो थे हमारे ओनर बहुत ही अच्छे थे, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, उनके फैमिली भी बहुत ही अच्छे हैं। सो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं उनका नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, अगर जाना होगा कश्मीर में और आपको अगर टूर करना है एंड आपको काफ़ी बजट में चाहिए अगर रूम, तो फिर आप इनके रूम पे आराम से स्टे कर सकते हो संग्रीला में, अगर ये अवेलेबल होगा तो। ऑफ सीज़न में तो मोस्टली अवेलेबल होते ही हैं, बट पीक सीज़न में लाइक दिसंबर में जब हम लोग गए थे यहाँ पर, उस टाइम पर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते रूम्स। सो अगर आपको जाना होगा तो आप काइंडली कमेंट करके मुझसे इनके नंबर के लिए आस्क कर सकते हो, ओके। एंड मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी नंबर इनका। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और हम लोग पहुँच चुके हैं अब कार्ट नंबर 16 में। और ये देखिए कितने सारे शिकारा यहाँ पे रखे हुए थे लाइन से। और ये नज़ारे वाओ, बस मेरा तो ड्रीम था कि मैं कब कश्मीर जाऊँ विज़िट करूँ, और बस मूवीज़ में ही देखते हैं हम लोग ऐसा, और अभी यहाँ पे भी देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के लाइव व्यू देख करके। सो आप लोग भी कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगता है मेरे ब्लॉग्स एंड आप लोगों को नेक्स्ट आपको क्या टॉपिक पे देखना है। मोस्टली मैं ट्रैवल ब्लॉग्स ही बनाती हूँ, बट जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ। लाइक कोई भी खाना बनाना हो तो वो भी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑलमोस्ट ये मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग ही है, जो भी मेरे पास होता है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली जैसे हो। और आप लोगों के सपोर्ट से ही आज मेरा 900 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही आज इतने सारे सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं मेरे। सो काइंडली आप लोग अपना प्यार इसी तरह देते रहें मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस जो भी इस चैनल पे नए हों और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर लिया है उनको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और ये देखिए हम लोग बैठ चुके हैं कार में और हमारे साथ जो ड्राइव कर रहे थे हमारे जो टैक्सी ओनर थे वो काफ़ी अच्छे थे, इनका नाम था सुहेल जी। सो काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ ड्राइव पर जाकर भी। अगर इनका भी नंबर आपको चाहिए तो मैं आपको कमेंट में मैंसन करवा दूँगी, काफ़ी बजट में आपको ये कश्मीर ट्रिप करवा देंगे। यहाँ पे घूमने का तो बहुत ही कुछ है, बट एक्चुअली हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हमें रिटर्न दिल्ली जाना था, दिल्ली में भी हमें कुछ वर्क था, इसी वजह से यहाँ पूरा अच्छे से हम लोग घूम नहीं पाए। और सेकंड रीज़न ये था कि मेरा बेबी जो है 3 ईयर्स का भी नहीं हुआ था, तो मैंने गंडोला भी नहीं बुक करवा पाई मैं। देखिए अभी हम लोग गुलमर्ग पहुँचने वाले हैं, 35 किलोमीटर्स है, ये सारे गेट्स मैंने कवर कर लिए। ये साहिल जी ने भी आपको हाई कह दिया। सो ये तो पक्का कश्मीरी ही हैं, यहाँ के लोकल है, इनको काफ़ी अच्छे से नॉलेज है यहाँ का। सो इनकी ड्राइविंग भी बहुत ही अच्छी थी, सॉफ्ट थी। और ये देखिए चनार के पेड़ जो यहाँ के फेमस होते हैं, जिनमें कभी पत्तियाँ नहीं आई हैं पर फिर भी ये बहुत ही सुंदर लगते हैं यहाँ के रोड्स में। और हम लोग यहाँ पर कुछ रील्स बनाते हुए, मैं आत्रिशा। सो आज का मेरा ये लुक कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करना ना भूलें। सो अभी बातें करते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं टंगमर्ग के लिए
ये फर्स्ट चेक पोस्ट है गुलमर्ग से टंगमर्ग, और इसके बाद ही हम लोग पहुँचने वाले हैं गुलमर्ग के लिए। यहाँ पे कुछ टिकट्स वगैरह भी लगते हैं, कार के कुछ टैक्स, टोल टैक्स वगैरह आई थिंक, तो ये लोग उसी का टिकट परचेस करते हुए। और ये देखिए अभी हम लोग फिर से निकल चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स भी हैं, टंगमर्ग में भी आप चाहो तो स्टे कर सकते हो एंड गुलमर्ग में भी काफ़ी सारे होटल्स हैं, अगर आप चाहो तो वहाँ भी स्टे कर सकते हो। और काफ़ी सारे बसेस भी हैं, पर आप लोग गलती से भी यूट्यूब से देखकर मत आना, बसेस का पता नहीं, अपना प्राइवेट कार हो तो भी तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बट अगर बस से जाओगे तो आई डोंट नो कैसे क्या होता है। सो गाइस फर्स्ट रीज़न यही था कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम था, एंड सेकंड रीज़न ये था कि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा छोटा था, 3 ईयर भी नहीं हुआ, तो मैंने गंडोला राइड भी बुक नहीं कराया था। सो फिर अभी यहाँ पे तो स्नो वगैरह कुछ था नहीं, सो क्या करते हैं हमने फिर लास्ट में हॉर्स राइडिंग किया। और यहाँ पे काफ़ी सारा है, दूधपत्री, पहलगाम, काफ़ी सारे विजिट के प्लेसेस है। कश्मीर आओगे तो आप एटलीस्ट 7 डेज लेकर के ही आना यहाँ के लिए, और एटलीस्ट बजट आपका पैकेज में अगर आप आते हो अगर तो फिर आई थिंक पर पर्सन सिर्फ कश्मीर का 20-30 के में हो जाएगा, बट अगर पर्सनली आप आओगे बिना पैकेज लिए तो फिर आपका 50 के पर पर्सन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल। सो यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट चेक पोस्ट के बाद यहाँ पे कुछ ड्रेसेस वगैरह आप ले सकते हो। हमारा जो भी क्लोथ था इसमें तो ठंड जा नहीं रही थी, यहाँ के क्लोथ्स कुछ ज़्यादा ही हैवी लगते हैं, सो यहाँ पे भी आप क्लोथ रेंट पे ले सकते हो जैकेट वगैरह, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल मत लेना। हमने तो लिया था बट बहुत ही घटिया क्वालिटी होते हैं गाइस, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है इनके रेंटेड जैकेट्स एंड बूट्स, बहुत ही बेकार क्वालिटी के होते हैं। सो कोशिश करना कि आप खुद ही कैरी कर लो अपना जैकेट वगैरह। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं गुलमर्ग में व्यू पॉइंट पे, और यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास आएंगे लोग, जैसे कि आपको बोलेंगे कि आपको क्या क्या राइड करना है लोकल में या फिर नॉर्मली आप जो भी है राइड कर सकते हो, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा प्राइस बोलेंगे, अगर आप अच्छे से बार्गेन नहीं करोगे ना तो फिर आप मतलब क्या बोलो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको लूट लेंगे। इसलिए आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप लोगों को अच्छे से बार्गेनिंग करनी होती है यहाँ पे, प्राइस तो ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लेना। और ये देखिए आसपास थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी, ऐसा कुछ तो था नहीं नीचे में, तो हम लोग सोचे कि क्या कर सकते हैं। सो इन्होंने किसी लोगों ने बोला कि चलिए आप लोग हॉर्स राइड कर सकते हो, थोड़ा ऊपर तक हम आपको ले जाएंगे। सो अभी हॉर्स राइडिंग वाले ने तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस बोला था, 6000 पर हेड बोल दिया था, पर हम लोगों ने इनको काफ़ी कम करवाया बजट, एंड उसके बाद हम लोग अपना ये रेंटेड जैकेट्स वगैरह भी लेने चले गए। दिशा पहन चुकी है, मैंने अपने बेबी के लिए भी ले लिया है जैकेट और बूट्स, बट ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे गाइस, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे, बहुत ही चीप क्वालिटी के थे, डोंट रेंट देन, बहुत ही घटिया है। ये देखिए अब हम लोग बैठ चुके हैं हॉर्स पे, घोड़े पे बैठ चुके हैं, और ये मेरा सेकेंड टाइम है, बट मुझे बहुत डर लग रहा है सीरियसली, और आदि का तो ये फर्स्ट टाइम है, तो उसका फेस आप लोग देखो कितना डरा हुआ सहमा हुआ है, बट ही इन्जॉयज एक्चुअली, बिल्कुल बाद में उसने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया गाइस। आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे ब्लॉग्स, एंड मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मेरे अपडेटेड वीडियोस मिलने लगेंगे, आपको जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ सारे आपके पास पहुँचेंगे। और ये देखिए मैंने अब यहाँ पर हेल्पर भी ले लिया था, छोटे बच्चे के साथ अगर आप जाते हो तो आपको एक हेल्पर लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के रोड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ऊबड़ खाबड़ थे, जिस पे हॉर्स चल रहे थे वो तो बिल्कुल ही रोड अच्छा नहीं था, इसलिए सभी लोग मोस्टली एक गाइड ले रहे थे, तो वो भी 500 आपको चार्ज करेगा। सो गाइस घोड़े की भी चार्ज हम लोगों को पर हेड 1000 रुपीज़ पड़ गई, पर ये बोलते हैं 6000, सो बार्गेनिंग मस्ट गाइस, आप लोग याद रख लेना, बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिना बार्गेनिंग के आप जाओगे तो फिर बिल्कुल ही काट लेंगे आपको ये, शुद्ध देशी भाषा में। सो
ये देखिए यहाँ के नज़ारे, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ऑसम, लुकिंग लाइक अ वाव, इसको बोलते हैं वाव व्यू। मन तो हो रहा था कि मैं यहीं रह जाऊँ, बस यहीं बस जाऊँ, बस यहीं बस जाऊँ पहाड़ों में, बट क्या कर सकते हैं गाइस, घर द्वार तो जाना ही पड़ता है हमें भी। सो आदि के साथ अगर मैं नहीं आती तो आई थिंक कुछ ज़्यादा ही इन्जॉय कर पाती, मेरा सारा ध्यान उसी को कैरी करने में लगा हुआ था। बट फिर भी मैंने जितना हो सका आप लोगों के लिए शूट किया है गाइस, तो एक मदर के इतने से एफर्ट को आप लोग प्लीज़ कैरी करना, है कुछ भी इसमें आप लोगों को बुरा लगता है तो सॉरी इसके लिए। और ये देखिए त्रिशा काफ़ी मज़े से फ़ोन चलाते हुए, बिल्कुल फ्री बर्ड है वो अभी, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं बेबी की, सो इन्जॉय कर ले कुछ ईयर्स। बट हम लोग दो ही लोग आए हुए थे, एक्चुअली हमारे और भी फ्रेंड्स आने वाले थे बट सभी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से प्लान कैंसिल हो गया। सो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम तो अपना ट्रिप कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अभी फिर मेरे बेटे का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर कहीं जाना आना इतने लॉन्ग टाइम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोलकाता टू कश्मीर, वैष्णो देवी माता मंदिर भी गए हम लोग, सो इसीलिए ट्रिप को कंटिन्यू ही किया हमने। और ठंड तो गाइस, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत बहुत -4-5 degrees ठंड तो होगी यहाँ पे। और जब तक हम लोग पहुँचे तब तक तो वहाँ पे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो चुका था। बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, यहाँ के रास्ता बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ था तो मैंने यहाँ पे सूट नहीं किया। और ये लीजिए हम पहुँच गए, और ये देखिए गाइस नज़ारे, वाओ, बस मूवी की शूटिंग होनी बाकी है यहाँ पे। मूवी की शूटिंग होने के लिए यहीं पे आते लोग करने के लिए, आई मीन। सो देखिए फोटोशूट चल रहा था यहाँ पे, मैंने भी अपने कुछ रील्स बनाए। और ये देखिए घटिया सा जैकेट, इसके वजह से मेरा लुक इतना घटिया लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, बच्चे को कुछ खिला लेते हैं। सो हमने लिया मैगी गर्मा गर्म, और पहाड़ों वाली मैगी खाने की तो मज़े ही अलग है गाइस, पहाड़ों पे कभी मैगी खा के देखना, वाओ ऑसम टेस्ट। और फिर मैगी से तो मेरा कुछ होने वाला था नहीं, तो मैंने ले लिया एक ऑमलेट, बिग साइज़ ऑमलेट, यहाँ पे आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगे, 100 rupees का वन। तो फिर बेबी के लिए मैंने ले लिया, और मैं अभी भी एक और मैगी के लिए बोल रहा था तो वो भी लेना पड़ा मुझे। पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, फ़ोन में चार्ज नहीं रहते हैं, और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगती है गाइस, बस ये दोनों बातें रिमाइंड कर लेना। और अपना पावर बैंक ले जाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो मेरे जैसे लास्ट में कुछ भी सूट नहीं कर पाओगे अब भी। सो ये देखिए एकदम काफ़ी तेज़ स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, अभी ठंड हो रही होगी -6 degrees, सो एकदम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इन्जॉय करते हुए स्नोफॉल का, बट इधर मुझे आदि का ख्याल भी सताते हुए कि मेरा बेटा कहीं रो तो नहीं रहा। उसको मैंने वही कैंप पे बैठा के रखा हुआ था, वो गाइड के साथ में ही जो मैंने उनको लिया था साथ में, कि मेरे बेबी को भी कैरी करेंगे उन्होंने बोला था, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। सो मेरा बेबी उन्हीं के साथ था। सो अभी ये देखिए यहाँ पे सब आग फायर को देखते हुए, और ये इनसे बात कर लेते हैं। बहुत ठंड है यहाँ पे, कितनी ठंड है अभी हुई है यहाँ पे, -3 degrees हो गई, -3 degrees, स्नोफॉल भी हो रही है। ये देखिए गाइस कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है अभी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत हालत ख़राब है अभी। चलिए अब हम लोग जल्दी से नीचे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। चलिए गाइस तो मैं सोच रही थी कि नीचे जाते हैं, बट तीशा ने बोला कि अब जब आ ही गए हैं तो फिर थोड़े देर एंजॉय कर लो, बार बार हम लोग कहाँ आ सकते हैं, और आएंगे भी तो अब बच्चे की छुट्टी देख कर ही आना पड़ेगा। सो तीशा को काफी मजा को तो काफी मजा आया गाइस, आप लोग भी जरूर आइए, काफी मजा आने वाला है क्योंकि हम लोगों ने भी काफी एंजॉय किया यहाँ पे। चलिए अब मिलते हैं आपको नीचे। हमने अपना बैकपैक कर लिया है, और ये देखिए मेरे बैकपैक इतना सारा स्नो गिर चुका है, त्रिशा के भी पूरे जैकेट में स्नो है, और मेरा बेबी को तो वो
गाइड ही लेके जा रहे थे काफी कवर करके। और देखिए जाते टाइम तो हम लोग बिल्कुल भी उतरते टाइम घोड़े पे नहीं बैठ सके, कि सारे घोड़े ही गिरने वाले थे, गिर जा रहे थे। सो हमें वॉक करके ही नीचे जाना पड़ा। लाइक 3-4 किलोमीटर्स हमने वॉक किया और हम नीचे गए इस स्नो में। मैं तो काफी 2-3 बार गिर भी गई गाइस। देखिए कितने ज्यादा, मतलब ये क्या बोलूँ, ये जितनी ब्यूटीफुल है उतना ज्यादा हार्मफुल भी है अगर आप ठीक से कैरी नहीं करोगे तो। इसीलिए अब हमने हाथ पकड़ लिया है कि चलो अब साथ साथ चलते हैं, वरना इधर गिर रही हूँ उधर गिर रही हूँ, और त्रिशा भी गिर रही थी। तो फिर काफी सेफ्टी के साथ हम लोग जाते हुए, बट गाइस सच में अभी लग रहा है कि हम कश्मीर में आए हैं, एकदम कश्मीर वाला फीलिंग आएगा आपको यहाँ पे आके। सो ये पीक सीजन है दिसंबर, देखिए ये भी स्लिप कर रहे थे, ये पीक सीजन है दिसंबर टू फरवरी। अगर आप स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हो तो आपको इसी के बीच में ही आना पड़ेगा। सो ये हमारा फर्स्ट स्नोफॉल था और काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो। बस थोड़ा सा आप लोग गाड़ी वगैरह ठीक से करना, वरना आपको उतरने में काफ़ी प्रॉब्लम आई। ये देखिए सारे लोग यहाँ पे चेन वाली गाड़ियाँ ले रहे थे और चेन लगा रहे थे। हमारी गाड़ी जो थी वो स्विफ्ट डिज़ायर थी, तो उसमें तो चेन लगा हुआ था नहीं, तो इसी वजह से हम काफ़ी बुरे फंसे और हम लोग फंस के ही रह गए 4-5 आवर्स। ये 2 बजे तक हम लोग यहाँ नीचे आ चुके थे, बट फिर भी ये देखिए यहाँ के डॉग ऐसे लगते हैं ना, क्या बोलूँ। हम लोग यहाँ पे 4 आवर्स से फंसे हुए थे, यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब लगभग 6 आवर्स हो गए और हम लोग यहाँ गाड़ी में ही बैठे हुए थे। सो इसके बाद काफ़ी अरेंजमेंट्स करने के बाद हमें एक गाड़ी मिली, वो भी रात के 11 बजे, क्योंकि सभी काफ़ी डर रहे थे कि चीन वाली गाड़ियाँ अगर नहीं होगी तो उतरेंगे ही नहीं, क्योंकि स्लिप का बहुत ज़्यादा डर बना हुआ रहता है। सो इसीलिए अगर आप भी आ रहे हो तो फिर बजट प्लान कर लेना अच्छे से। एंड सेकेंड थी, और इतने देर रुकने के बाद आपको पता है कितना करके बजट पड़ा हमारा 1 पर्सन का? ये लोग 5,000 चार्ज कर रहे थे, बिल्कुल हाँ, ये श्रीनगर तक जाने के लिए पर पर्सन 5,000 लिया हम दोनों से, मतलब 10,000 लग गए। इतना ज़्यादा बजट बिगड़ गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो कश्मीरी लोग अच्छे से लूटते हैं, इसलिए अगर इस स्कैम से बचना चाहते हो ना गाइस, तो फिर आप लोग चेन वाली गाड़ियाँ ही करना और पहले ही कर लेना। और आपको अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।